बस जो अफवाह उड़ी थी उस सिलसिले में आना हुआ था। हो गया जी जी। सकलैन मियाँ के इंतकाल की अफवाह से हड़कंप। बरेली की बड़ी दरगाह हजरत शराफत मियाँ के सज्जाद नशीन सकलैन मियाँ के इंतकाल की अफवाह से हड़कंप मच गया। लोग दरगाह की तरफ दौड़ने लगे। दरअसल गुजरी रात बरेली में अफवाह फैलाई गई कि सकलैन मियाँ का इंतकाल हो गया। इतना ही नहीं, अफवाह में ये भी कहा गया कि सकलैन मियाँ ने कोरोना से बचाव के लिए कहा है कि लोग काली चाय पिए। जैसे जैसे अफवाह वायरल होती गई, वैसे वैसे लोग दरगाह की तरफ दौड़ने लगे। देखते ही देखते पूरे इलाके में भीड़ जमा हो गई। हमने मामले की हकीकत को जानने की कोशिश की, तब पाया कि सकलैन मियाँ पूरी तरह सही सलामत और तंदुरुस्त है। बस जो अफवाह उड़ी थी उस सिलसिले में आना हुआ था। हो गया जी जी। भाई तक ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि हमारे पास तो रात करीब 12 बजे से फ़ोन आना शुरू हो गए, तमाम इलाके से, हिंदुस्तान के हर शहर से फ़ोन आ रहे हैं पहुँचाने के लिए। काली चाय क्या करेगी, करोना को रोक लेगी क्या? देखिए, जहाँ तक इसका सवाल है भाई, ये बीमारी किसी ना किसी को, पहले एक को लगी, अब जब एक को लगी उससे चलिए मान लिया दूसरों को भी फैली, मगर जब उस एक को लगी तो दूसरों को भी लग सकती है। इसलिए अल्लाह पर शाकिर रहना चाहिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, और जो एहतियाती इकदाम हुकूमत या डॉक्टर वगैरह बता रहे हैं उस पर अमल करना चाहिए। क्या नाम है आपका? अंजुम। कहाँ से आई हैं? हम फतेहगंज से। क्या हुआ यहाँ पे, क्यों आई हैं? हम इसलिए, रात के 3 बजे हमारे घर ने खबर गई थी, ऐसा है सकलैन मियाँ हुजूर पर्दा कर गए आएंगे, और ऐसा है चाय बना के, काली चाय बना के पी लो, तो उसी वक्त हमारे हौसान ख़राब हो गए। हमने ऐसा नहीं हो सकता, किसी ने भी जो कुछ उड़ाई है कि गलत है, फिर तो जहाँ तहाँ से फ़ोन आने लगे। जी कहाँ से आए? मैं बरेली का ही हूँ जी। आज यहाँ पर जो आप आए, आज यूँ यहाँ आए हैं कि हमारा दिल दुखाया गया हमारे पीर व मुर्शिद के लिए, जो गलत अफवाह उड़ी है, इसमें हम लोगों सकलैनियों को सारों को तकलीफ़ है ज़ोर से ज़्यादा। शावेज़ अली। कहाँ से आए? मुरादाबाद। आज क्यों आए आप यहाँ? आज हमें अफवाह में खबर मिली थी कि ऐसे ऐसे सकलैन मियाँ का बोले पर्दा फरमा गए हैं, तो हम इसीलिए देखने के लिए आए थे। आपका? मेरा रेशमा। कहाँ से आई? मैं रेशमा सकलैनी हूँ। कहाँ से आई हैं? मैं गुमदापुर की रहने वाली हूँ, मियाँ हुजूर की। यहाँ पर आज मैं यहाँ पे यूँ आई हूँ, ऑटो वाले ने ये कहा कि मियाँ हुजूर पर्दा फरमा गए। बेटा नाम क्या आपका? तहजीब सकलैनी। अच्छा, यहाँ पर क्यों आए हो आज दरगाह पे? नहीं, क्योंकि हम जब सुबह उठे थे तो सब लोगों ने इतनी बुरी बुरी बातें बताई थी कि मियाँ हुजूर गए हो गया, वो हो गया, इसलिए हम दरगाह पे आए। मियाँ हुजूर से आप मिल लिए? सही है मियाँ हुजूर आपके? हाँ। सलाम करा था आपने? हाँ। आपका शुभ नाम? मेरा नाम परवेज हसन खान, मैं प्रभारी कंट्रोल रूम हूँ, पूरे सिटी का इंचार्ज हूँ मैं। आज दरगाह शराफत यहाँ की, यहाँ इतनी तादाद में भीड़ आई, क्या है ये मामला? ये किसी ने गलत टेलीफोन इधर उधर कर दिए हैं, इसकी जांच होगी। कप्तान साहब महोदय, एडीजी महोदय और डीआईजी महोदय इसकी जांच कराएंगे, किसने टेलीफोन ये गलत कर दिया कि मियाँ हुजूर का इंतकाल हो गया है। मियाँ हुजूर हमारे यहाँ पर सबके सामने तंदुरुस्त है। बरेली ये जो है अमन शांति का पैगाम हमारे कप्तान साहब ने, यहाँ के प्रशासन ने दिया, सब कहीं कुछ हुआ, लेकिन बरेली एक ऐसा अच्छा ज़िला है जहाँ अभी तक कोई बात नहीं। ये किसी ने गलत फहमी। विभाग की ओर से क्या व्यवस्था यहाँ करी गई है? व्यवस्था यहाँ इस खबर पर थाना प्रेमनगर का फोर्स और सिटी का फोर्स चारों तरफ इस भीड़ के लिए लगा है कि कहीं कोई बात ऐसी ना होने पाए, शांति व्यवस्था बनी रहे, ठीक है।